अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलें आज हम बनाते हैं जूलरी। तो रबी अव्वल पे मिलाद होता है ना, तो ज़्यादातर ग्रीन एंड वाइट इस तरह की ड्रेसेस बच्चियाँ पहनती हैं उस तरह। तो जूलरी भी मतलब इस तरह होनी चाहिए ग्रीन या वाइट। और सबसे पहले बच्चों को आकर सबसे पहले तो बच्चों के लिए जूलरी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बटरफ्लाई वाली पहले बच्चों के लिए नेकलेस बनाएंगे, उसके बाद बाकी हम देखेंगे। तो नेकलेस जब तक हम बना रहे हैं जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें, कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। तो कैसा लगा आपको हमारा नेकलेस? तो मार्क्स देना नहीं भूलिएगा, 10 में से आप कितने मार्क्स इसको देंगे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। अब हम सेकंड बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हाँ, इस ज्वेलरी को हम 14 अगस्त वगैरह फंक्शन पे भी पहन सकते हैं, ठीक है। इस तरह मतलब ज़रूरी नहीं है कि पहने, अक्सर नहीं भी पहनते, लेकिन जिनको शौक होता है मतलब सेलिब्रेट करने के इस तरह वो ऐसे पहन सकते हैं। तो हमने शॉप से लेने के ढूंढना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम रखी होती हैं। लेकिन बाहर ज़्यादातर ना बाहर ही लगाई होती हैं, मतलब रेड़ियाँ वगैरह इस तरह लगाई होती हैं जहाँ से हमें ज्वेलरी मिलती है। लेकिन आप वहाँ से लेने के बजाय अगर आप घर में बना लो तो आपको सस्ती भी पड़ जाती है, और आपको खुद भी आइडिया हो जाता है, आप खुद भी ज्वेलरी बना सकते हैं। मतलब बाहर भी नहीं आपको जाना पड़ेगा, और आप अपनी मर्ज़ी की खुद ज्वेलरी बना सकते हैं। तो इसलिए आप घर में जैसे चाहे वैसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम बनाएं, आपको जस्ट आइडिया हो जाता है कि इस तरह के हम बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड हम बना रहे हैं एयरिंग, तो वो बेबी के लिए था, और ये हमारे अपने लिए हैं, मतलब कोई भी मतलब घर कोई भी पहन सकती है। तो आप इसका भी ज़रूर देंगे कि आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे। अच्छा, इसको कंप्लीट तो होने दे दें, फिर मार्क्स दीजिएगा। मतलब कंप्लीट होने से पहले ही अगर आप मार्क्स दे देंगे तो फिर वो आप हाफ के मार्क्स देंगे ना, फुल के नहीं देंगे। तो इसको कंप्लीट होने दें फिर मार्क्स दीजिएगा। तो चले देख, कंप्लीट हो गया है, मैं तो कल नहीं थी, चलो देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये वैसे मैंने इनको इकट्ठा रख लिया है, लेकिन वो बच्चे के लिए है, बटरफ्लाई वाला नेकलेस और एयरिंग बड़े के लिए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए अपनी ज्वेलरी की तरफ, थर्ड वाली, ठीक है। तो इसको भी आप मार्क्स जरूर दीजिएगा, 10 में से आप कितना देना चाहेंगे। बन लेने दें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें, और कोई आप मिस ना कर दें। चलिए देखते हैं। Thank you.
तो ये थी हमारी थर्ड मतलब थर्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन था। तो इसको आप मार्क्स शुरू दीजिए के टाइम में से आप कितने देंगे, वन का मतलब टोटल देके, वन टू एंड थ्री देके लदा लदा मार्क्स जरूर देंगे, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फोर वाली, तो इसको भी देते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। तो चलें देखते हैं, देखे ना देखिए आँखें बंद करके देखना, आँखें खोल के देखना। ओके हमारा फोर्थ वाला नेकलेस। मैं कहता है कि आपको इसमें से कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, सब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है अब फिफ्थ की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ बनाने जा रहे हैं, तो ये मेपे के लास्ट है, काफ़ी देख के यकीन याद नहीं कि कितने मैंने डिज़ाइन इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अभी वीडियो फिनिश नहीं हुई है, ये नहीं कि मैंने सब्सक्राइब वगैरह हर चीज़ कह दी है, तो ये नहीं कि वीडियो एंड होगी, अभी वीडियो रहती है। तो चलो देखते हैं। कंप्लीट, इसका भी मार्क्स देना नहीं भूलिएगा। उसके बाद सिक्स की तरफ चलते हैं, ये भी हम लोग एयरिंग बनाने जा रहे हैं। लास्ट वाला डिज़ाइन तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब इसको जो दूसरे वाला था वो मैं बना के ना, तो फिर मुझे वीडियो शूट करना भूल गया और कसन ले गई थी और मैं वो नहीं शूट कर सकी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। बाय बाय।